बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा ही सेलेब्स एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां एक ओर अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ लाइमलाइट में रहते हैं, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। इस बीच देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का और बॉलीवुड के ही मेन धर्मेंद्र का। दोनों ही असल जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं और दोनों की ये दोस्ती काफी गहरी है और आज भी ये दोस्ती बरकरार है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, जब अमिताभ बच्चन ने अपने दिल के दर्द को बयां किया था धर्मेंद्र के साथ दोस्ती को लेकर। बताएंगे आपको हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जहां एक ओर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन यहां पर बात की जाए धर्मेंद्र के साथ के बारे में, तो धर्मेंद्र और अमिताभ बहुत ही गहरे दोस्त हैं। अक्सर इवेंट्स में, इंटरव्यूज में, सोशल मीडिया के जरिए अपनी दोस्ती को लेकर अपने दिल की बातों को शेयर करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं उस किस्से के बारे में जब अमिताभ बच्चन ने एक इवेंट में खुद धर्मेंद्र के सामने अपने दिल की बात को शेयर किया और साथ ही साथ अपने दर्द को भी बयां करते हुए देखे गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है फिल्म शोले। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के डायलॉग और इस फिल्म का हर एक किरदार आज भी फैंस का दिल जीत लेता है। वहीं इस फिल्म में दोस्ती का बेहद शानदार उदाहरण भी पेश किया गया, जिसकी मिसाल लोग आज भी देते हैं। जय और बीरू की जोड़ी आज भी फैंस को याद है और आज भी फैंस इस फिल्म की चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। जहां एक ओर पर्दे पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र दोस्ती की मिसाल देते हुए नजर आए, तो वहीं असल जिंदगी में भी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं और अक्सर इवेंट्स में, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर खुलासे करते हुए भी देखे जाते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती के बारे में, कि किस तरह से जब अमिताभ बच्चन ने अपने दर्द को बयां किया था धर्मेंद्र के साथ दोस्ती को लेकर। बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कुछ ऐसे ही किस्से जब अमिताभ ने कुछ राज खोले थे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अमिताभ ने खुलासा किया था कि किस तरह से फिल्म शोले में उन्हें रोल मिला था धर्मेंद्र की वजह से। हम इस वीडियो को तो किसी कारणवश आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपने दिल के दर्द को बयां किया और साथ ही साथ अमिताभ ने बताया कि किस तरह से उन्हें इस फिल्म में रोल मिला था जो काफी यादगार है उनके लिए। अमिताभ बच्चन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो में अमिताभ कहते हुए नजर आए हैं कि एक बेहद अहम और दिल छू लेने वाली धर्म जी की खासियत ये है कि वो सबसे शानदार दोस्त और सबसे दिलचस्प व्यक्ति में से एक हैं। मैं धर्म जी और अपना एक गहरा राज खोलना चाहूँगा। अगर धर्म जी नहीं होते तो मैं कभी शोले फिल्म में काम नहीं कर पाता। शोले के लिए उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश की थी। इन्हीं की जिद की वजह से रमेश सिप्पी ने मुझे उस फिल्म में लिया। मैं इसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। इतना ही नहीं, फिल्म शोले में जहां एक ओर अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र की वजह से किरदार मिला, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने एक इवेंट में ये खुलासा भी किया और अपने दिल के दर्द को बयां किया कि हम एक दूसरे से मिल तक नहीं पाते हैं। दरअसल बताना चाहेंगे आपको कि इस इवेंट में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के साथ साथ शिरकत करने पहुंची थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन। साल 2016 में
बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो और हेमा मालिनी की म्यूजिक एल्बम के लॉन्च के मौके पर शोले के सभी कलाकार साथ में पहुंचे। शोले की ये कलाकार साथ में नजर आए और इस इवेंट में अमिताभ, जया, हेमा मालिनी सालों बाद एक दूसरे के साथ नजर आए थे और यहाँ पर शोले के डायरेक्टर रमेश शिप्पी भी मौजूद थे। और उस दौरान अमिताभ बच्चन ने इवेंट में बताया कि वो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी पड़ोसी हैं, जुहू में पैच। मुंबई के जुहू में अमिताभ बच्चन के बंगले के पीछे ही दोनों का शानदार बंगला है। अमिताभ बच्चन जब जोर से बोलते हैं तो धर्मेंद्र के घर तक आवाज जाती है। अमिताभ बच्चन के मुताबिक सामने आई हैं कुछ बातें। अमिताभ बच्चन ने बताया कि चार कदम चलें तो भी उनके घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अफसोस है कि कभी हम मिल नहीं पाते। और इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपने दिल की बातों को शेयर किया। धर्मेंद्र के साथ अपनी दोस्ती को ले ये दिल छू जाने वाली बातें कही। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने अमिताभ को अपना छोटा भाई कहा और कहा कि जो कुछ भी करता है वह एक मिसाल बन जाती है। धर्मेंद्र के मुताबिक सामने आया कि वह अमिताभ से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके लिए दुआएं मांगते हैं। आज के समय में देखा जाए तो अमिताभ 78 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में अमिताभ बच्चन कई शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए भी नजर आते हैं। तो वहीं धर्मेंद्र 85 साल के हो चुके हैं और देखा जाए तो दोनों ही स्टार सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हुए देखे जाते हैं। दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे के साथ फिल्म शोले के अलावा फिल्म चुपके चुपके, फिल्म राम बलराम, फिल्म अंधा कानून जैसी फिल्मों में साथ में काम किया है। सो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में आप सभी ने देखा कि किस तरह से अमिताभ और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर अपनी दिल की बातों को शेयर करते हुए नजर आए। अमिताभ और धर्मेंद्र एक दूसरे के बेहद करीब हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो वहीं दोनों का घर भी बहुत ही पास है, लेकिन बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से मिल तक नहीं पाते हैं। लेकिन हमेशा ही देखा गया है कि अमिताभ और धर्मेंद्र वाकई में एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और बहुत ही प्यारी दोस्ती है अमिताभ और धर्मेंद्र की। वर्क फ्रेंड के बारे में बात की जाए तो धर्मेंद्र आप सभी को नजर आएंगे फिल्म अपने के सीक्वल में। एक बार फिर से धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखे जाएंगे। धर्मेंद्र नजर आएंगे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ और साथ ही साथ सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस फिल्म में नजर आएंगे लीड किरदार में। वही बात की जाए यहां पर अमिताभ बच्चन के बारे में तो अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म चेहरे को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ नजर आएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र में। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के हाथों में हैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स और इस तरह से देखा जाए तो अमिताभ लगातार अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए देखे जा रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।